Now next one about chain locker. Mostly surveyor asked the location of the chain locker. What is chain stopper? What is canvas slip? Explain about bitter end. How it's connected? Spurling pipe, hose pipe, windlass, stripper bar, etc. So usually it's located forward of the collision bulkhead. ओके, ये चेन लॉकर है एंड द डायग्राम है. दिस कॉल्ड स्लेप. ओके, बेसिकली इट्स ए कवर और प्रोटेक्टर ऑफ द चेन लॉकर. कोई मेटल पीस या कुछ डार्ट डस्ट इसमें घुसने से प्रोटेक्ट करता है. दैट्स इट. एंड इनसाइड द दिस कॉल्ड साउंडिंग पाइप स्पर्लिंग पाइप. ओके, नाउ हॉस पाइप, जहाँ से चेन ऑन सी में, ओवरबोर्ड में, सी में जाता है, दैट्स कॉल हॉस पाइप. लाइक दिस वन, यहाँ पे नीचे का डायग्राम में क्लियर दिखा हुआ है. दिस कॉल्ड हॉस पाइप. यहाँ से सी इंटू द सी में जाता है, चेन इंटू द सी में जाता है, और यहाँ से स्पार्लिंग पाइप से आपका चेन लॉकर के अंदर आता है. नाउ दिस कॉल्ड इडेक्टर. इडेक्टर क्या है ना, चेन का जो अंदर चेन लॉकर के आने के बाद, उठाने के बाद, उसमें बहुत सारे मड रहता है, तो उसको क्लीन करने के लिए जो क्लीन वाटर है वो इडेक्टर के थ्रू आके वॉश वाटर फायरमैन से ओवरबोर्ड में चला जाता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कॉल्ड बिटर एंड. व्हाट इज बिटर एंड? बिटर एंड क्या ना, एंड ऑफ द चेन सिक्योर्ड इन ए स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द शिप हल. नॉर्मली ये आपका कॉलिजन बल्कहेड है, जिसमें चेन का लास्ट पार्ट यहाँ पे सिक्योर रहता है. दिस कॉल्ड बिटर एंड. नाउ चेन स्टॉपर, इट्स ए कॉल्ड गुलेटिनो बार. इट्स विथ ए लॉकिंग पिन. इट्स फेस्टिंग विथ हिंच लीवर यूज टू लॉक द चेन. नाउ द इट्स एक्ट लाइक ए गाइड फॉर हॉस पाइप. चेन इन टू द हॉस पाइप, पुट चेन इन टू द हॉस पाइप, गाइड करता है चेन को. वेन इट इज ऑल द वे ट्रांसफर टू द चेन फोर्स टू द शिप स्ट्रक्चर. बीटर एंड, एंड ऑफ द चेन, द एंड ऑफ द चेन, एंड चेन का एकदम लास्ट पोर्शन सिक्योर्ड इन द चेन लॉकर ऑफ द व्हीसल व्हिच इज अटैच टू द हल या स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द शिप बॉडी, नॉर्मली कॉलिजन बल्कहेड, बाई ए क्विक रिलीज मैकेनिज्म इज नोन एज बिटर एंड. क्विक रिलीज मीन्स इन इमरजेंसी कंडीशन वी कैन रिलीज फुल द चेन. And now next, stripper bar. It's a steel bar connected to the cable lifter. Cable lifter means आपका हो गया वो windlass. Okay, windlass or directly to the deck. Okay, stripper bar. It is a steel bar connected to the cable lifter or windlass or direct to the deck. Okay, it's break the chain if the chain is clinch or stuck. Next one is types of kill. Normally four types of kill. One is bar kill, flat kill, bilge kill and duck kill. Now mostly surveyor asked about duck kill and bilge kill. Okay, firstly flat kill older day, normally flat kill use, it's basically a single bottom. Now you look the diagram.
नाउ बार कील, बार कील ए बार इज प्लेस्ड इनटू द सेंटर ऑफ द कील, ओके, ए बार इज प्लेस्ड इनटू द सेंटर ऑफ द कील कॉल्ड बार कील, इट इज सपोर्ट द फ्रेम रनिंग अराउंड द विसल, लॉन्गिट्यूडिनल बीम वन टॉप ऑफ द कील ऑफ दिस विसल सो बेटर स्ट्रेंथ एंड स्टिफनर्स टू द कीलसोन. Here the most important thing is guardboard strake. Normally surveyor mostly asked about guardboard strake. The side of the hull, side of the ship hull attached to the bar keel. Look at this diagram. The side of the hull attached to the bar keel. ओके, डक कील, डक कील बेसिकली कोई मेटल पार्ट या बॉडी नहीं है, एक हॉलो बॉक्स शेप टनल है जो इंजन रूम का, इंजन रूम से डेक तक जाता है. इसके अंदर से बहुत सारे पाइपलाइंस, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल केबल जो इंजन रूम डेक टू इंजन रूम टू आता है वो डक कील के अंदर से जाता है. उसमें फॉर इंस्पेक्शन के लिए उसके अंदर आप एंट्री भी कर सकते हैं, घुस भी सकते हैं. तो ये बेसिकली एक बॉक्स शेप टनल है, ओके, और इसका काम है, वर्किंग है, ये डबल बॉटम टैंक, टैंक को सेपरेट करता है. मींस पहले हम लोग पढ़े थे फी सरफेस इफेक्ट, उसको रिड्यूस करने के लिए दो लार्ज टैंक को सेपरेट करते हैं जिसमें फी सरफेस इफेक्ट रिड्यूस होता है. एंड नेक्स्ट आता है बिल्ज कील, इट्स ए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर दैट रन लोअर साइड ऑफ द शिप हल, बेसिकली बिल्ज प्लेट. बेसिकली ये अप टू फॉरवर्ड तक होता है, बिल्ज प्लेट बराबर. इसका लेंथ नॉर्मली 1/3 ऑफ द शिप लेंथ होता है. पर्पस 1, डंपिंग द रोलिंग मशीन, इंक्रीज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ, 3, प्रोटेक्ट बिल्ज व्हेन ग्राउंडिंग और ड्राई डॉक.